आज की हमारी ये प्यारी और पौष्टिक प्याज की चटनी बनाने की रिक्वेस्ट हमें हमारे व्यूअर कैरी मिनाटी फैंस क्लब ने की है। सबका मेरे चैनल आहार अंजलि पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर अंजलि और आज हम बनाने वाले हैं प्यारी प्याज की चटनी। इसके लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: चना दाल, उड़द दाल, खट्टी इमली और 5 बड़े प्याज। प्रोसीजर: अब हम 1 चम्मच ऑयल कढ़ाई में डालेंगे। कढ़ाई हमारी लो फ्लेम पे होनी चाहिए। इस चम्मच से हम 1.5 चम्मच उड़द दाल ले रहे हैं। अब हम इसी चम्मच से 2 चम्मच चना दाल ले रहे हैं। अब हम इसे लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक भुनने वाले हैं। तब तक हम इमली के छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। अब हमारी कटी हुई इमली तैयार है। हम अपने प्यारी और पौष्टिक प्याज की चटनी में इसे स्वाद अनुसार डालेंगे। अब हम प्याज काट लेंगे। इसमें से धीमी खुशबू आ रही है और अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम प्याज के पतले पतले टुकड़े काट लेंगे। ये अब हमने 5 प्याज काट लिए हैं। अब हम इसमें खट्टी इमली डाल देंगे और इसे अच्छे से हिला लेंगे। अब हम इस चम्मच से 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हम 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे। अब हम गैस मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसे अच्छे से हिला लेंगे। और अब इसमें हम धीरे धीरे करके सारे प्याज डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल देंगे, साथ ही इसमें हम 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे। अब हम इसे साइड से सेंटर तक हिलाएंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पर रंग बदलने तक फ्राई करेंगे, ज्यादा नरम नहीं करेंगे। अब इसका रंग सुनहरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और हमारा प्याज भी नरम नहीं हुआ है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसे हम ऐसे ही ठंडे होने के लिए थोड़ी वक्त छोड़ देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे मिक्सी के पॉट में निकाल लेंगे। अब हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। अब हमने इसे जाड़ा जाड़ा पीस लिया है और हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अगर किसी को महीन पीसी हुई चटनी पसंद है तो हम मिक्सी में फिर से चटनी को पीस लेंगे। अब हमने अपनी चटनी को महीन पीस लिया है। अब हमारी प्यारी और पौष्टिक प्याज की चटनी तैयार हो चुकी है। वाह, क्या मस्त खुशबू आ रही है। तो आपको कैसी लगी हमारी ओवरवेलमिंग ऑनियन चटनी, कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।